हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक विलेज में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, हमने सुना है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राठौड़ व्लॉग और मक्खन राम जयपाल व्लॉग। तो हम तीनों भाई यहाँ पर मिलकर आए थे विजिट करने के लिए, लेकिन अभी मसला ये बना कि हम जैसे यहाँ पर आए हमें तो पता ही नहीं है कि भाई आगे मतलब कि कहाँ पर जाना है, मतलब मंदिर का पता नहीं है कि कहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमें एक भाई मिले हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं? तो क्या नाम है आपका? रविदास। रविदास, तो यहाँ पर एक मंदिर है, आपको पता है ना, आप यहीं के रहने वाले हो ना, तो आप लेकर चलोगे हमें वहाँ पर? चलो। तो कितनी दूर है तकरीबन यहाँ से? थोड़ी दूर है। तो भाई ये रविदास भाई है, इनका नाम रविदास है और ये अभी हमें लेकर जाने वाले हैं ये मंदिर पर, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, हम तो नए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये कितने घर हमारे तकरीबन मेघवाल भाइयों के होंगे, हिंदू बरादरी के? 60 से 65 घर, ये तकरीबन सारे हिंदू घर है ऐसे। अच्छा, तो ये गाइस आप देख सकते हो ये पूरा का जो मोहल्ला है ना, मतलब के ये हमारा हिंदू वाले जो है। तो अभी चलते हैं हम आगे और फिर आपको दिखाते हैं भाई। क्या भाई, क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा। राजा, आप यहीं पर रहते हो? हाँ। अच्छा अच्छा, आप स्कूल वगैरह पढ़ते हो या? हाँ, मैंने 10 पढ़ के छोड़ दी। 10 पढ़ के छोड़ दिया आपने, तो चलो अब हम साथ ही चलते हैं विजिट वगैरह करते हैं। जी, कास्ट क्या है? हमें क्या, हिंदू? हिंदू है जी, बिल्कुल। हरचंद राम व्लॉग। नमस्ते। देख लो भाई, सुल्तान भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी, बहुत हार्ड वर्कर बंदा है यार, मेहनत कर रहा है यार बहुत ज़्यादा। बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को आज दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह है या इस गांव में, ये दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? करीबी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर मुसलमानों के घर तकरीबन कितने होंगे? 600 घर है मुसलमानों के और 60-70 हिंदुओं का है। 60-70। अच्छा, कभी कोई दिक्कत तो नहीं होती, मतलब ये रोक? कुछ भी नहीं है, सब सही है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा मंदिर वगैरह है, पूजा पाठ करते हैं, कभी कोई रोकथाम तो नहीं करता? कुछ भी नहीं, सब मोहब्बत करते हैं यहाँ। हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, ठीक है गाइस, देख सकते हो भाई क्या रहा, सब मिलजुल कर रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। सब लोगों को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो बाजार है भाई, क्या नाम आपका इधर है? राजा। इस बाजार में तकरीबन हमारे हिंदुओं के घर कितने होंगे? इसमें 40-45 है। 40 से 45 घर। हाँ गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पर तकरीबन जो है 10-15 पीछे वाली बस्ती में भी है, तो यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 घर होंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप, ये भी हमारे कुछ हिंदू भाइयों के घर हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है, इस विलेज में यहाँ पर जितने भी घर हैं ना, मतलब के कंडीशन अच्छी है उनकी, ठीक है ना। तकरीबन जैसे कि हम विलेज ज़्यादातर विजिट करते हैं हिंदुओं के, वहाँ पर जो है हम देखते हैं ना घर, तो उनके मतलब के घर जो होते हैं मड के बने होते हैं, मड हाउस होते हैं, ऐसे नहीं है बल्कि पक्के घर हैं, सीमेंट के ईंटों के बने हुए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये देख सकते हैं जी। अच्छा, कितने मंदिर होंगे तकरीबन? एक या दो मंदिर हैं? दो मंदिर हैं। अच्छा, ये भी मंदिर है कोई? ये घर में है या वैसे बना हुआ? ये बाद में चलो विजिट करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। ये छोटी सी बच्ची जा रही है, तीनों हजार। अरे ना, ये नहीं बताएगी नाम, बच्ची है ना भी। अच्छा, यहाँ पर ये तमीर सेवरेज लाइन, मतलब जिन्होंने बनाया है हमारा MPA साहब युद्धेश्वर चौहान, उनकी ये तख्ती लगी हुई है। रिश्ता हुआ था 2 नवंबर 2022 में, ठीक है ना। ठीक है गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर कोई मतलब किसके अंडर में कोई सेवादारी वगैरह भी है यहाँ पर? अच्छा अच्छा, सेवादारी भी है गाइस, तो हम चलते हैं वहाँ पर जाकर मिलवाते हैं आप लोगों को। ये कुछ इस तरह का भाई है माहौल। तो गाइस अभी हम मंदिर, ये है जी मंदिर का, यहाँ तो जबरदस्त हो गए हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त मंदिर है, भगवा झंडा लहरा रहा है, इसे देखकर ही हमारा दिल खुश हो गया। आसमान में भगवा झंडे को देखकर ना दिल खुश हो गया यार, जबरदस्त एंटर हो रहे हैं मंदिर में। क्या बात है भाई, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये मंदिर है जी, और अभी हमने यहाँ पर आकर प्रणाम किया है, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं जो जो मतलब कि हमारे भगवान की फ़ोटो वगैरह पड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो पुजारी हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, ठीक है ना। अभी मेरे ख्याल में यहाँ पर वो नहीं है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं जी,
एक कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने सजाया हुआ है, और कुछ इस तरीके से है ये। और मतलब यहाँ पर ये शिवलिंग पड़ा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। ये इस तरीके का मैंने पहली बार शिवलिंग देखा पाकिस्तान में खासकर। यहाँ पर कुछ पूजा पाठ का सामान मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है, भोलेनाथ के फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। और ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी, ये फोटो पसंद है गणेश जी की, ठीक है ना। ये किस तरीके से आर्ट करके पत्तों के जरिए जो है इसे बनाया गया है भाई। तो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी जो इस मंदिर के पुजारी हैं, सेवादारी हैं वो। तो राम राम चाचा जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? द्वारका साहब। द्वारका साहब, ये मंदिर तकरीबन बनाए को कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया है? सन 1972 में बनाई है। सन 1972 में जी। ये तो काफी ज्यादा पुराना मखन भैया ना। बड़ा जी, बहुत पुराना है। बहुत ही पुराना है जी। अच्छा, तो मतलब ये जो इसके ऊपर खर्चा वगैरह आया हुआ है ये आप लोगों ने मिलकर किया है या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, मतलब हम आपने मिलकर किया। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आप लोग रहते हो तकरीबन कितने घर होंगे? तकरीबन घर होंगे 45, उस दौर में 45 थे, अभी 60-70 हो गए हैं। यानी कि सब ने मिलकर वो पैसे इकट्ठे करके आप लोगों ने खर्चा किया है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सुना कि मुस्लिम कम्युनिटी भी साथ में रहती है। अच्छा, उनकी तरफ से कभी कोई रोकथाम वाला कोई तकलीफ नहीं होती? अच्छा, तो मेला वगैरह भी यहाँ पर होता है? हर साल करते हैं, थे तो पूनम को करते हैं, भद्रा की पूनम को। अच्छा, तरीक जो भी बैठ जाए वो भी करते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए कोई पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पंजाब पुलिस आपको टाउन करती है? हाँ हाँ, सैफुल्ला खान कुरेश साहब ने हमको बिल्कुल पंजाब पुलिस दी थी। अच्छा अच्छा। बड़ी आवाम आई थी, पुलिस के बंदे तक 10-12 आदमी थे, दो गड्डियाँ थी लेडीज पुलिस फोर्स के साथ। अच्छा, तो यहाँ पर यानी कि जो मेला होता है वहाँ पर आपको बाहर से कोई इमदाद वगैरह आती है या आप खुद ही मिलकर ये सब कुछ करते हैं? खुद आप ही करते हैं। कि तकरीबन कितने लोग आ जाते होंगे इमदाद? तकरीबन 500-600 लोग होते हैं। 500-600 लोग आ जाते हैं, ठीक हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी। और हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद हैं। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? अरत राम। आप क्या काम करते हो? काम करते हैं टोपी का। टोपी का काम, वो जो बनाते हैं मतलब? हाँ, सीधी टोपी बनती है वही। इधर आपके पास ही में शॉप है? हाँ, ये पास वाली। तो इस भाई की जो कैप होती है ना, कैप बनाने वाली शॉप है, तो हम जाएंगे और विजिट करेंगे, ठीक है ना। अभी दिखाएंगे किस तरीके से बनते हैं कैप वगैरह। मतलब यहाँ पर एक ही ये मंदिर है, कोई और भी है? नहीं, एक और भी है, वो किसी के घर में है। हाँ, किसी घर में। अच्छा, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एरिया है जो मंदिर का कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये सारा मंदिर का एरिया है? ये हमारा पंडाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मतलब कि जब मेला वगैरह होता है ना तो इसी यहाँ पर? हाँ, यही पर होता है। काफी खुला एरिया है, बहुत जबरदस्त। हाँ, यहाँ पर भक्ति वगैरह जो होती है वो उसके लिए स्टेट बना हुआ है। शाबाश। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, स्कूल पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? कच्ची क्लास में। आप, आपको क्या नाम है? राजवीर। राजवीर, आप पढ़ते हो? कच्ची में। आप? आदेश। हाँ, आदेश। आप नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते आप? जाया करो ना, स्कूल जाओगे जो मतलब के क्या बनना चाहते हो? बड़े वैसे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस वाले बनोगे या डॉक्टर बनोगे? शौक है कुछ? पुलिस बनोगे? हाँ भाई, ये बड़ा होकर पुलिस बनेगा। इसका ना कद भी वैसे बहुत बड़ा है, तो अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है। दिल लगा कर पढ़ोगे ना तो फिर कुछ ना कुछ बनोगे, ठीक है ना। तो भाई, ये मंदिर का नाम है संत श्री डूंगर दास डूंगर साध की जय है। ये मंदिर का नाम है संत श्री डूंगर साध। तो ये आपके को पिताजी थे या दादा? नहीं, मेरा दादा थे। आपके दादा थे? पिताजी की तस्वीर ये है। अच्छा, ये वाले थे? अच्छा, इनका क्या नाम है? पिलाज भगत। अच्छा, तो मतलब आपके दादाजी ने मेरे ख्याल में ये बनवाया था ना? नहीं, पिताजी ने बनवाया था। अच्छा, नाम आपके दादाजी का रखा? नाम से चलता है। अच्छा अच्छा, सही। उन्होंने, यानी कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे ये मंदिर बनाया था, सही हो गया। ओके, तो गाइस अभी आ चुके हैं चाय। ये अंकल जी जो थे चाचा जी, इन्होंने कहा जी आपने चाय पानी तो पी कर जाना है, ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है ना।
तो चाय उन्होंने मंगवा ली है जी, तो हम आपको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, हम चार बजे थे, आप नहीं पियेंगे चाय? चाय अंकल कोई बात नहीं, पी लेंगे। अच्छा तो ले मक्खन भाई, तो पहले पानी पी लेते हैं फिर चाय पी ले, और फिर नेक्स्ट मंदिर भी आपको विजिट कराते हैं। तो गाइस एक ये वाला मंदिर है यहाँ पर, तो हम अभी आपको ये वाला भी दिखाते हैं, तो चलते हैं जी अंदर। ये वाला एक गाइस मंदिर है जी, और अभी मक्खन भाई गए हुए हैं अंदर, हम भी जा रहे हैं इसके अंदर। और कमाल का मंदिर है। तो भाई ये वाला मंदिर है, आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर भगवान कृष्णा की फोटो लगी हुई है। कृष्ण मंदिर, हाँ इसका नाम पता नहीं क्या होगा, कृष्ण मंदिर है। हाँ कृष्ण मंदिर। अरे भाई इस मंदिर का क्या नाम है? ये मंदिर है रामचंद है पितर का आदमी। अच्छा अच्छा, हाँ ये पितर हैं, पितरों का मंदिर है। अच्छा तो अभी मुझे इसके बारे में पता चला, ये जो है ना हमारे पितरों का मंदिर नाम है, रामचंद जो थे वो पितर बन चुके हैं ना, अभी ना? हाँ उनका मंदिर है, जो कि होते हैं तकरीबन हमारे भी हैं पितर, तो मतलब हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा पितर होता है, तो ये पितरों का मंदिर है, तो आप लोग समझते ही होंगे इस बात को भी। क्या नाम है आपका सर अंकल? मेरा नाम महराज राम। महराज राम है, ठीक हो गया जी। तो ये हर महीने ना ये सवाल जवाब होते थे। अच्छा अभी ये इधर नहीं है। अच्छा पितरों का ये गया हुआ उधर है। अच्छा पहले मतलब के आप पहले हर महीने इधर मेला होता है, ये ना सवाल जवाब लेते हैं, दुख सुख वाले, किसी की औलाद नहीं है। अच्छा या किसी के मतलब कोई तकलीफ है या अच्छा वो किसी मतलब जो सेवादारी होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। हाँ वो मेरे घर वाली है। अच्छा उसकी है मतलब के वो बहुत ये मशहूर है, पूजा करती हैं घर वाले। हैं हाँ वो मशहूर है इधर, पूरा इलाका जानता है। फिर वो मतलब के आपके घर वाले के अंदर प्रवेश करके फिर जो भी दुख तकलीफ होती थी आप उन्हें बताते थे? अभी फल तो नहीं देते, वो कणक का दाना उठा के दे देते हैं, भी ये लो खाओ, विश्वास है। हाँ, विश्वास तो उसमें मतलब जिसका काम हो जाता है। जी जी। इधर वो प्रीतम है ना, सेठ प्रीतम, ये बहुत हो गया, ये बचका राम का भाई। अच्छा जी जी, सेठ प्रीतम का राम का बेटा था वो। हाँ हाँ वो पहले एमपी हुआ था बचका राम। हाँ बचका राम, तो उसका बेटा है गोर्धन राम। अच्छा अभी वो इंडिया चला गया है, वो जयपुर में रहता है। अच्छा बस उसका कोई काम हुआ था, उसने मंदिर बनवा दिया है। अच्छा मतलब कि उन्होंने उनका कुछ काम हुआ काम था। हाँ फिर ये उसने बना दिया है मंदिर। पहले ये पहले छोटा सा ना, वैसे पूजा करते थे छोटे में। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पर एक भाई था गोर्धन राम, जो कि अभी इंडिया जा चुके हैं, उनका कुछ काम हुआ था, उन्होंने मतलब के कोई मन्नत वगैरह जो होती है वो मांगी और पूरी होगी, फिर उन्होंने जो है ये मंदिर बना कर दे दिया, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हो गए जी। तो फ्रेंड्स हम अभी मतलब का मंदिर देखकर आ चुके हैं गांव से बाहर, और ये एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा बोल सकते हैं आप लोग, मतलब एक छोटा से यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह हैं, कुछ खाने पीने के सामान वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह मतलब कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो यहाँ से मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का ये छोटा सा एक कस्बा है, ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये यहाँ पर बहुत सारी लाइन में जो है ना शॉप वगैरह बनी हुई है। भाई राठौड़ भाई, भूख वगैरह लगी है यार? बहुत भूख लगी है भाई, सुबह से भूखे फिरे, व्यूज और लाइक और कमेंट्स कर दिया। अच्छा सारा दिन हम खाने की भूख है या व्यूज की भूख है? उसकी भी भूख है, खाने की भी भूख है, और अच्छा। राठौड़ व्लॉग को नहीं भूलना भाई, राठौड़ चलो जी चलते हैं।